Okay. Let's start. Yes, sir. First one, which of the following order of radii is correct? Sir, thoda. हाँ, अभी बराबर. एक मिनट सर, blur दिख रहा है मेरे को. हाँ, अभी बराबर आ रहा है. थोड़ा सा blur था. Is it visible properly? Yes, sir. Now it's थोड़ा visible. पर है blur तो है ही सर. Blur तो है. ब्लर है सर, ब्लर सर. वो नीचे ब्लैक कलर का क्या है सर? वेल मेरे स्क्रीन में कुछ ब्लैक दिख रहा पूरा. हाँ राइट साइड, राइट उसको हटाओ सर. स्क्रीन राइट बॉटम हटा 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 हटा. अभी बढ़ गया, वापस आ गया. हाँ दैट इज द पार्टिसिपेंट्स विंडो. आई हैव टू मिनिमाइज. अभी गया? हाँ गया. एवरीथिंग इज ओके? हाँ हाँ सर ठीक है, चलेगा बराबर. मतलब है कि नहीं है? थोड़ा नहीं, नहीं, नहीं सही है. हाँ बराबर. एक मिनट अभी आ रहा है. अरे सर वो आपके लोगों के वास्ते. छोड़ो छोड़ो सर, चलेगा. हाँ भाई छोड़ो. नहीं नहीं एक मिनट, एक मिनट. ठीक है, माइक म्यूट कर लो सब लोग प्लीज. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडाई इज करेक्ट? ऑप्शन ए को देखें तो वी हैव लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. नाउ टू कंपेयर द बेरिलियम इज स्मॉलर देन लिथियम. हाँ so you have to just place the elements yes. in the periodic table, Li, Be and Mg. Now along the period the size goes on decreasing. So Li or Be mein Li would be larger or Be or Mg mein Mg would be larger. So correct order obviously kya hona chahiye? Mg, Li, Be. To ye wala correct nahi hai. Second one H plus, Li plus and H minus. पहले क्या H plus है सर? फर्स्ट वाला H plus है क्या? Yes, proton, Li plus and hydride compare करना. H minus का तो बड़ा ही होएगा, anions का तो बड़ा ही होता है. Firstly, the anions are definitely larger than the cations. Also, H minus acquires the helium configuration and Li plus भी helium configuration होगा. ठीक है, but because of the charges, अगर compare करें, तो anions हमेशा cations से larger होते हैं. एंड एच प्लस ऑब्वियसली सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा. ठीक है, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और वो भी लॉस हो गया. मतलब दिस ऑर्डर इज करेक्ट. ऑप्शन बी आंसर है. ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा. ओके सर, सही है. और ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन में क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, क्रॉस नियॉन सबसे बड़ा होता है ना. नियॉन सबसे छोटा होता है. वेंडरवाल्स रेडाई के हिसाब से. अच्छा हां, सॉरी बड़ा रहेगा. है ना? उसके अलावा फ्लोरीन ऑक्सीजन में फ्लोरीन छोटा रहेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि आगे है पीरियड में. फिर Na प्लस, F माइनस और O2 माइनस. नहीं नहीं, उल्टा हो जाना चाहिए. ये तो उल्टा हो जाना चाहिए ना, बिकॉज़ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अनायन तो डेफिनेटली लार्जर होते हैं. उसमें भी अनायन का जितना ज्यादा चार्ज उतना बड़ा साइज, ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा. सर सबके कंपैरिजन में ग्रुप 18 सबसे बड़ा होता है. हाँ, अगर वेंडरवॉल्स रेडाई कंपेयर करने बोला है तो ग्रुप 18 का सबसे ज्यादा होगा और ऑप्शन डी का करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट भी है. ठीक है, सेकंड, एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैशियस ऑक्साइड एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ डाइनाइट्रोजन एट 5 बार. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड? हाँ तो पी इज इक्वल टू रो आरटी बाय एम नॉट. प्रेशर इज इक्वल टू रो आर डी बाय एम. हाँ या डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी से डिराइव किया हुआ. डी इक्वल टू पी एम बाय आरटी या पी इक्वल टू रो आरटी अपॉन एम, एक ही है. ठीक है, अब अगर आप कंडीशंस को देखोगे तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं दिया है. ठीक है, आर तो एनीवेज कांस्टेंट है.
प्रेशर चेंज हो रहा है और मोलर मास दो अलग कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफर करेगा. मतलब फ्रॉम दिस रिलेशन आई कैन से द डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पीएम, करेक्ट. नाउ एज पर द कंडीशन दे आर सेइंग द डेंसिटी ऑफ सम गैसियस ऑक्साइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द डाइनाइट्रोजन. देयरफॉर ऑक्साइड के केस में प्रेशर 2 बार है, मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड इज समथिंग व्हिच इज टू बी फाउंड इक्वल टू द प्रेशर इन केस ऑफ द डाइनाइट्रोजन इज 5 बार एंड डाइनाइट्रोजन मोलर मास इज 28. So twice into 14, 14 into 5. So the molar mass of the oxide is equal to 70 gram per mole. We have a relation tha, PV equal to NRT ka modified relation where density is equal to PM by RT. In PM by RT, we have to substitute pressure in which unit? R ke basis pe decide karoge na. Jo pressure ka, wo R ka. If R is in liter atmosphere, then pressure is in atmosphere. और अगर सब SI unit में है, तो R की value 8.314 होगी. हाँ, तो pressure का वो SI unit pascal ना? हाँ, newton per meter square. ठीक है? Yes. Which of the following does not have sp3d hybridization? एक एक करके सबका चेक करते हैं. SF4, I'll just speak. SF4 होता है सर. Yes, four BP. So SF4 में सल्फर इज द सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 रहेगा, आउट ऑफ विच 4 आर शेड एंड 2 विल बी अनशेड. मतलब करेस्पॉन्ड टू अ लोन पेयर, मतलब 4 BPs एंड 1 LP. तो ये sp3d होगा, ठीक है. एंड व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस स्क्वायर पिरामिड? नहीं, स्क्वायर पिरामिड सॉरी, डिस्टॉर्टेड पेन. क्या एक मिनट, एक ना SF4 ना, SF4 sp3d विद वन लोन पेयर. देखो सीक्वेंस कैसे याद रखना है. sp3d इज ट्राइगोनल बाय पिरामिड, परफेक्ट वाला. उसके बाद देयर इज सीसॉ टी शेप्ड, उसके बाद टी शेप एंड देन लीनियर, फिर लीनियर विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लोन पेयर. दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर. तो ओवरऑल SF4 is sp3d with a seesaw geometry. ठीक है, सबका एनालाइज कर लेते हैं, then we can spot the answer. Okay. BrCl3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 में से गए 3, बचे 4. 4 मतलब 2 LP's. तो ये भी sp3d होगा. But now this will be a T-shape because of 2 LP's. XeOF2 में Xe will have double bond with oxygen. Then two single bonds with fluorine. Again, 4 गए, बचे 2 लोन पेयर्स. अगेन ये sp3d रहेगा और टी शेप विद अ टी शेप ज्योमेट्री. टी शेप एंड XeF4 में 8 में से गए 4, बचे 2. sp3d2 मतलब ये 6 ऑर्बिटल्स का sp3d2 होगा. एंड विद 2 लोन पेयर्स दिस विल बी कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर. प्लेनर प्लेनर ठीक है. सो दिस इज हाउ यू अप्लाई द वेस्पर थ्योरी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज XeF4 डजंट हैव द sp3d हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट? So simply you will apply the concept of equivalence. ठीक है, तो equivalence of dichromate K2Cr2O7 is equal to equivalence of the potassium bicarbonate, that is KHC2O4. तो moles की बात कर रहे हैं, मतलब we will apply the formula of moles into n factor. Moles into n factor. So moles into n factor. Dichromate in acidic medium is n factor for dichromate. 5, 6, 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
तो ऑक्सलेट चेंजेस टू CO2
CO2. So, इसका plus 3 changes to plus 4. Plus 4 into 2. Number of atoms 2 है, तो change is 1 into 2, मतलब n factor will be 2. Hence, the dichromate का moles which is asked is 1/3. Clear? सर blur दिख रहा है, partial वो blur दिख रहा है क्या? नहीं नहीं अभी बराबर हो गया मेरे में, बराबर दिख रहा है मेरे को तो यार, पढ़ने को भी नहीं हो रहा है यार. ठीक है, I'll read it. थोड़ा है I think वो zoom किया इसलिए ऐसा हुआ है. ठीक है, ठीक है सर. The ratio of the wave numbers of the radiation corresponding to the third line of Balmer and the second line of the pass chain of hydrogen spectrum is ratio of wave numbers. तो वेव नंबर यानी 1 बाय लैम्डा, तो द फार्मूला इज r * z² * 1 बाय n1² - 1 बाय n2² ठीक है. अब अगर रेशियो लेना है तो r और z तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट है, बिकॉज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं. तो अपना न्यू बार का जो रिलेशन है उसमें सिर्फ n1 और n2 आएगा. तो न्यू बार ऑफ Balmer for which line? Third line 2 and 5 upon nu bar of pass chain and iska kaun sa line? Second. ठीक है, अब Balmer के लिए n1 तो fix होता है, 2 line 1 के बाद Balmer n2 5. Third line मतलब क्या? First line is n equal to 3, second line would be 4 and third line will be 5. मतलब सिंपली जो n1 है उसको 3 ऐड कर दो, शॉर्टकट मेथड. मतलब Balmer स्टार्ट्स विद 2, तो थर्ड लाइन विल बी 5, तो 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर हो गया. और पास चेन जो है वो स्टार्ट होता है 3 से, 3 और 5 मतलब प्लस 2 करो तो 5. ठीक है, तो डिफरेंस जो है ऊपर का 16 हो गया अपॉन 4 * 25 * अगर ऊपर लाऊंगा तो दिस विल बी 9 × 25 और डिफरेंस हो गया 25 - 9, सॉरी ये 25 - 4 होगा ना डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन प्रोडक्ट ना. अरे ना आपके आई थिंक नेटवर्क में प्रॉब्लम है. हाँ हाँ सर चलेगा. तो 21 और ये डिफरेंस आया 16, 25 would be gone. और रेशियो ही पूछा है आपको फ्रैक्शन में ही, so 21/4 × 9/16 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विच इज टू बी रिमेम्बर्ड रेडबॉक्स कॉन्स्टेंट के लिए. अच्छा, इनकेस आर का अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ा तो रिमेम्बर इट इज 1.1 × 10⁷ meter. 1.1 × 10⁷ meter is Rydberg's constant. Next, the number of radial nodes, nodal planes for an orbital with n equal to 4, l equal to 1. N so plus l, nodes, n plus l minus 1. No, or n. Radial nodes is n minus l minus 1. N minus l minus 1. So 4 minus 1 minus 1 that is equal to 2. So 2 radial nodes होंगे. और angular nodes को ही nodal planes बोलते हैं. Nodal plane is another name for angular nodes and that is directly equal to the value of n. L and that l, l is here equal to 1. So radial nodes 2 होंगे, angular nodes या nodal planes 1 होंगे, मतलब 2, 1 is the answer. So again, a formula to be remembered. Thermal stability of hydrides of first group alkali metals follows the order. Which hydride is most stable for alkali metal family? Lithium. Lithium, lithium hydride. The lithium hydride is the most stable and down the decrease. Group the stability decreases. Decrease. Li, Na, K and Rb ka hydrides. The answer is option A. In fact, this is the exception related to hydrides. Hydrides में Li और H की size बहुत छोटी होने की वजह से बहुत छोटे उसके लिए ionic हो जाता है, compound है वो काफी ज्यादा stable हो जाता है. In fact, LiH is very stable hydride.
स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेम कंटेन्स, ये तो डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए, कितने 2C2E बॉन्ड होते हैं और कितने 3C2E बॉन्ड होते हैं? चार टू सी टू और दो 3C2E। आंसर है चार और दो। अब कैसे होता है एक बार डाइबोरेम का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो वी हैव बोरॉन बॉन्डेड विथ टू हाइड्रोजन एटम्स इन द सेम प्लेन विच आर कॉल्ड टर्मिनल बॉन्ड्स। दूसरी तरफ भी वी हैव बोरॉन विथ टू हाइड्रोजन एटम्स इन द सेम प्लेन अगेन कॉल्ड टर्मिनल बॉन्ड्स। ठीक है, और जो दो हाइड्रोजन एटम्स है दैट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन द टू बोरॉन एटम्स लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एग्जिस्ट। अब ये जो एच बी है इट इंक्लूड्स बोरॉन का ऑर्बिटल, दिस बोरॉन का ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इज 3 बट द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर शेयर्ड आर ओनली 2। दैट इज व्हाई जो ब्रिज बॉन्ड्स है दे आर कॉल्ड, माइक म्यूट कर दो प्लीज, जो ब्रिज बॉन्ड्स है दे आर कॉल्ड 3C2E बॉन्ड्स। ठीक है, इसको ब्रिज बॉन्ड्स बोलते हैं। और जो टर्मिनल या नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं वो तो अपने दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब टोटली देर आर 1, 2, 3, 4 2C2E एंड जो दो ब्रिज बॉन्ड्स हैं वो 3C2E है, मतलब द आंसर इज ऑप्शन ए। हां सर, हाइब्रिडाइजेशन पूछा बी का, तो क्या लिखने का sp3 के sp2? इट इज sp3। इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यस, व्हाई? ओके, बिकॉज़ अगर चार बॉन्ड गिनने में, भाई पूछ रहा बॉन्ड गिनने के, एक ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है ना, वो वैकेंट किसकी वजह से आता है? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही आता है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ। बोरॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1s2 2s2 एंड 2px1। ठीक है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है, ठीक है, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही रहते हैं और ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 और 2pz0। ठीक है, अब हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है, दिस एस एंड द 3p ऑर्बिटल्स मिक्स एंड रिकास्ट टू फॉर्म द ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। अगेन 1s2 तो ऐसे ही रहेगा और अब ये चार ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिसमें से 3 ऑफ देम विल बी हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड 1 ऑफ देम विल बी वेकेंट। इसी वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड या 3C2E बॉन्ड बनता है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा तो फिर हमेशा याद रखो P2H6 के लिए द आंसर इज sp3। सर थर्ड क्वेश्चन पे जाना, सर थर्ड या सेकंड जो भी था वो इतना पीछे रेडाई वाला। सर रेडाई वाले का थर्ड ऑप्शन राइट था ना? हाँ, ये फर्स्ट वाला, थर्ड वाला ऑप्शन लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? सर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन बढ़ा होगा। अरे लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटेगा ना? अच्छा हाँ बराबर, ओ सॉरी। हाँ नेक्स्ट करेक्ट। अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज फाउंड व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड। माइक म्यूट प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, अनम्यूट करके बात करो, वापस म्यूट कर दो प्लीज। ओके, अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज फाउंड व्हेन ऑर्गेनिक एसिड इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब एक ऑर्गेनिक एसिड को हीट करते हैं विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 we get mixture of two gases and the gaseous mixture is passed through KOH solution, one gas is absorbed. KOH में कौन absorb होता है? CO2 SO2। ये दो common gases है जो KOH में absorb हो जाते हैं, ठीक है, और organic है तो obviously carbon related बात हो रहा है, मतलब जो oxalic CO2 दोनों देता है। करेक्ट, तो ऑक्सैलिक एसिड इज द ऑर्गेनिक एसिड जिसको डिहाइड्रेट करने पर दो गैसेस मिलते हैं,
CO2 और CO2 generation of carbon dioxide CO2 H2O मिलता है ठीक है आगे क्या बोला है the unabsorbed gas meaning carbon monoxide combines with chlorine and forms a poisonous gas phosgene CO plus Cl2 in the presence of sunlight reaction काफी fast हो जाता है तो ये COCl2 बोलते हैं बनाता है which is called carbonyl chloride या phosgene and it is a toxic gas the organic acid and the two gases evolved are so it's oxalic acid CO2 and CO answer is option B next which of the following yes. contains peroxy या OO linkage peroxy या OO linkage what is H3PO3 the second option for answer is not second नहीं सर क्या ऑप्शन बोलो ना खाली दिख भी नहीं रहा मेरे को तो आप सुनो खाली H4P2O6 फर्स्ट ऑफ ऑल H3PO3 सब डिस्कस करते हैं डोंट डायरेक्टली जंप टू द आंसर पहले एक एक करके स्ट्रक्चर्स इट्स फास्फोरस एसिड तो फास्फोरस एसिड में P डबल बॉन्ड हो और OH तो फिक्स रहता है ठीक है तो एक और OH आएगा एंड देयर विल बी वन PH एक रिड्यूसिंग एसिड भी है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड रिड्यूसिंग इसमें कोई ओ लिंकेज नहीं पीएच बॉन्ड अब H4P2O7 पाइरोफॉस्फोरस पाइरोफॉस्फोरिक सॉरी पाइरोफॉस्फोरिक पाइरोफॉस्फोरिक एसिड और पाइरो के लिए यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ पीओपी पीओपी लिंकेज आजूबाजू डबल बॉन्ड आजूबाजू ओएच और फिर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन तीन चले गए तो बाकी दो डबल बॉन्ड होंगे एंड बाकी चार ओएच होंगे मतलब दो ओएच टोटल चार ओएच ये टेट्रा बेसिक एसिड होगा दिस इज अ टेट्रा बेसिक एसिड जैसे परऑक्सी लिंकेज नहीं होता है पाइरो वाला लिंकेज होता है H4P2O6 इसके पहले वाला ही स्ट्रक्चर है हाइपोफॉस्फोरिक दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और इस केस में खाली एक ऑक्सीजन बीच का निकल जाएगा तो यहाँ पे वी हैव अ पीपी लिंकेज अगेन वी डोंट हैव अ परऑक्सी लिंकेज बचा ऑप्शन डी यही आंसर है अब डी को अगर देखोगे तो H3PO5 है मतलब दिस इज अ परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है और स्ट्रक्चर क्या है पी डबल बॉन्ड OH OH और OH ये किसका था फॉस्फोरिक एसिड लेकिन एक और ऑक्सीजन जो आएगा दैट विल हैव द परऑक्सी लिंकेज सो दिस इज हैविंग अ परऑक्सी लिंकेज द आंसर इज ऑप्शन डी अच्छा एक और चीज याद रखो बहुत बार ना फॉस्फोरस का ये एक एसिड भी दिया जाता है H5P3O10 हाँ सर हाँ दिस इज ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था मेटाफॉस्फोरिक एसिड वेरी गुड और कौन है ये मैं जवाब वेरी गुड जवाब HPO3 अब इसको थ्राइस करोगे तो H3P3O9 आ जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा अगर हम H5 को देखते तो वो साइक्लिक नहीं ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर होगा याद रहेगा तो इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था P के साथ एक डबल बॉन्ड O और OH तो फिक्स ही होता है कोई भी ऑक्सी एसिड ले लो ठीक है तो ये HPOO और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आता है और ये पॉलीमेरिक होता है तो हम इसको N टाइम्स लिखते हैं बराबर अब इसको तीन बार लिखना है मतलब सेकेंड यूनिट होगा P डबल बॉन्ड O OH और वापस एक ऑक्सीजन थर्ड यूनिट होगा P डबल बॉन्ड O OH और वापस एक ऑक्सीजन अब मुझे इस चेन को एंड करना है तो आई हैव टू बॉन्ड OH ओवर हियर एंड OH ओवर हियर नाउ इफ यू लुक एट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज H5P3O10 एंड इट इज अ ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड अगर आप इसको थ्राइज लेते हो तो वो साइक्लिक भी बन सकता है साइक्लिक भी बन सकता है कैसे पी ओ पी ओ P O and every P will have a double bond O with OH. आ रहा है समझ में?
दिस इज अ साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये साइक्लिक है, समझा? लेकिन अगर इसको एंड करना है तो H के लिए H5 होगा P3O10, और साइक्लिक में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधा सीधा H3 P3 और O9, ठीक है? तो कई बार ना इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी पॉप लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन दिस, कितनी पॉप लिंकेजेस है? दो. This have two pop linkages. Observe कर रहे हो POP1, POP2. But जैसे ये cyclic हो जाता है तो there are three pop linkages. So remember in H5P3O10, very important concept है, question important है. There are two POP linkages. दो pop linkages है, ठीक है? और इस केस में जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है तो तीन पॉप लिंकेजेस इसमें प्रेजेंट है. प्लीज ऑब्जर्व द डिफरेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्लियर? नेक्स्ट. हेलो, सुनाई दे रहा है ना? यस सर. यस सर. द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड द नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स इन S8 मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली. इसको ड्रॉ करने का एक ट्रिक क्या बताया था, जिगजैग में 5 सल्फर को बनाओ और 3 सल्फर उसके पैरेलल में बनाओ और बाद में इसको जॉइन क्लोज कर दो. बन गया, ठीक है? तो नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स तो डेफिनेटली 8 है, 8 SS बॉन्ड्स. And every sulfur have how many lone pairs? Every sulfur have? Two lone pairs. So totally there will be 16 LPs. So respective order kya hai? Pehle lone pair aur baad mein bonds hai. So lone pair 16 hai aur bonds 8 hai. So answer is option B. Theek hai? Crown shaped structure. The complex ion which has no d electron in the central metal. सर आपका वो चल रहा है, सर गया, सर बंद हो गया, सर सर स्क्रीन बंद हो गया. सर है कि नहीं? सर भी निकल गया लगता है. अरे सर है वो स्क्रीन बेस का नहीं, सर है. हेलो. हाँ सर. हाँ बोलो. हाँ सर, ठीक है ना? आ रहा है, आया ना स्क्रीन? हाँ सर, ए ही है ना? ए ही होगा. हाँ, आंसर ए ही है. MnO4. वैसे भी खाली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 उसका ही है. हाँ, अब परमैंगनेट में हमें पता है कि डी जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है? तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +7 होता है, और न्यूट्रल Mn जो होता है वो 3d5 4s0 होता है, सॉरी 4s2 होता है. तो सातों निकाल देंगे तो व्हाट वी गेट इज 3d0 एंड 4s0. सो देयर इज नो d इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ परमैंगनेट. अच्छा, इससे एक कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीइंग एब्सेंट दिस विल बी पैरा और डाया, डाया मैग्नेटिक. And will it be colored or colorless? Colored because of charge transfer spectra. So the color is due to charge transfer spectra. From ligand to metal. Charge transfer spectra. There is a temporary transfer of charge from the ligand to metal. Temporary charge transfer from ligand. Ligand kaun sa hai? O negative. एंड टू मेटल, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल है अपना मैंगनीज, दैट टेम्पररीली एक्वायर्स अ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड बिकॉज ऑफ द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीडी ट्रांजिशन करता है और एक डार्क इंटेंस कलर दिखाता है विच इज पर्पल. जस्ट रिमेंबर दैट इट इज कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा.
ठीक है, और बाकी में अगर आप रिस्पेक्टिव डी इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ऑब्वियसली वो जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। आगे द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आर 92.64 एंड 170 रिस्पेक्टिवली। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AgNO3 पूछा है। हाँ तो डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर अलग हो, m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड, क्या m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड। एक मिनट, क्या पाशवा? खाली मॉलिक्यूलर वेट के लिए उल्टा होता है ना आई का, होता है ना, I is equal to colligative property observed upon colligative property theoretical, but molar mass से उल्टा रिलेशन होता है तो theoretical molar mass upon observed, तो theoretical यानी कैलकुलेटेड 170 है upon 92, इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 1.83 आता है। एंड नाउ I is equal to 1 minus alpha plus n dash alpha, पर n dash तो 2 है सिल्वर नाइट्रेट के लिए, 1 plus alpha हो जाएगा, तो alpha क्या हो जाएगा 0.83, so percentage में it will be 83.5%, so relation of I with the molar mass was important. Next, 10 moles of an ideal gas expand isothermally and reversibly from a pressure of 10 atmosphere to 1 atmosphere at 300 Kelvin. What is the largest mass which can be lifted through a height of 100 meter? MGH is equal to NRT ln of V2 by V1. Haan, work done is equal to MG. MGH is equal to NRT ln of V2 by V1. Correct. Haan, bhai, matlab, bhai, sabse pehle isothermal reversible matlab W max. Reversible, haan, W max. And this will be equal to 2.303. ठीक है, तो अगर magnitude की बात करें तो this will be 2.303 into NRT. N is 10 into SI unit में है, तो R will be having a value of liter at sir atmosphere में लिया ना? नहीं, ये वाला जो है वो तो ratio है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है. या P1 या P2 is a ratio. So it can be okay. In any unit, but it has to be the same unit. 8.314. So आप देखोगे तो mass आपको देखो ना किसमें find करना है, kg में, ठीक है? So 2.303 into moles is 10 into R is 8.3 into 300 into log to the base 10 V1 या P1 by P2. तो यहाँ pressure है ना, so it will be P1 10 upon P2, that is 1, and that will be equal to mass ढूँढना है into G, SI unit में 9.8 into height of 100 meters दिया है, so ये 100 और ये 8.3 और 3 multiply करोगे तो 24.6 मिलता है, ठीक है, 24.6 यानी almost 25 ले सकते हो, और log वाला part तो उड़ जाएगा, और upon 9.8 इधर ले लूँ this will be giving you m, तो ये भी almost कट जाएगा, so answer is 25 into 2.3 58.56, that is around 58.55, yeah. Clear? So w को mgh के साथ relate करना था, और ये reversible process है, तो w max वाला formula apply करना। Next, ये अच्छा question है। In an electrolytic cell, 1 liter 1 molar aqueous solution of permanganate is reduced to manganate at cathode. How many Faradays would be required so that the solution becomes 0.899 molar permanganate? Chalo, socho. इतना MnO4 माइनस चाहिए। हाँ, तो पहले तो देखेंगे कि कितना MnO4 माइनस 2 बना। बना कितना MnO4 तुम्हारा कितना बना? फिर उससे मिल जाएगा MnO4 माइनस कितना बचा। हाँ।
कितना बचा वो तो दिया ही है 0.899 हाँ तो उतना बचा बचना चाहिए हाँ उतना बचना चाहिए तो MnO42 माइनस कितना बनेगा बना वो होगा हाँ मतलब उतना 1 - 0.899 परफेक्ट तो अगर सिंपल इसको रिलेट करें तो वी स्टार्ट विद 1 मोलर ये 0 होगा तो इफ दिस इज एक्स दिस विल बिकम 1 - x अब 1 - x जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 0.899 तो x की वैल्यू 1 - 0.899 0.101 हो जाएगा ठीक है अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन कन्वर्टिंग द परमैंगनेट टू मैंगनेट वन इलेक्ट्रॉन इट इज सिंपली +7 to +6 मतलब दैट इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे यस और नो यस सो 1 फैराडे लिबरेट्स और डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस 1 फैराडे लिबरेट्स और डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 1 फैराडे 1 मोल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 फैराडे कन्वर्ट्स 1 मोल ऑफ परमैंगनेट टू मैंगनेट तो 0.101 मोल्स 1 लीटर ही है ना तो डायरेक्टली इतना मोलार इतने ही मोल्स के बराबर होगा राइट क्योंकि 1 लीटर ही है तो डायरेक्टली आंसर उतना ही फेराडेज होगा मतलब 0.101 फेराडे आंसर इज 0.1 फेराडे क्लियर अच्छा क्वेश्चन था सॉल्यूशन को 0.899 मोलार बनाना सॉरी 0.899 मोलार सॉल्यूशन में बचने के लिए कितना फेराडेस इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा ठीक है नेक्स्ट यस सर द एसआरपी ऑफ 3 मेटल्स आर गिवन रिस्पेक्टिवली ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर जितना नेगेटिव एसआरपी उतना ज्यादा अच्छा रिड्यूस रिड्यूसिंग पावर मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होना पावर ना अरे एसआरपी सबसे निगेटिव होना चाहिए वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो हमेशा क्या करने का इसको अरेंज कर दो तो ये 0.52 है ये -3.03 है और ये -1.18 तो वाई सबसे अच्छा वाई है फिर जेड है फिर एक्स है दिस इज रिड्यूसिंग पावर आंसर इज ए ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा होता तो उल्टा xzy हो जाता तो रिड्यूसिंग पावर के लिए नेगेटिव एसआरपी को कंपेयर करना है और ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए पॉजिटिव एसआरपी से कंपेयर करना है ठीक है अच्छा इसमें अगर xy का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं तो किसको कैथोड किसको एनोड x कैथोड y एनोड x कैथोड y एनोड कैथोड y एनोड और yz में बनाया तो z कैथोड y एनोड z कैथोड y एनोड क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव है बट ज्यादा नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू SHE अगर देखोगे तो पहले Z आएगा फिर Y आएगा ना तो ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है Z और Y को कंपेयर करके तो फिर Z विल बिकम द कैथोड एंड Y विल बिकम द एनोड एंड देन E नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ Z माइनस E नॉट ऑफ Y कैथोड माइनस एनोड ये वेरिएशन आ सकते हैं ठीक है अच्छा इसमें हाईएस्ट ईएमएफ किसका कॉम्बिनेशन देगा एक्स और वाई का एक्स और वाई सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला एक्स और वाई विल गिव यू द इलेक्ट्रोलाइट सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद हाईएस्ट ईएमएफ ठीक है सो दीज आर वेरिएशंस व्हिच वुड बी आस्क्ड रिलेटेड टू एसआरपी वैल्यूज Next simple question है, a compound is formed by element A and B is cubic. A atoms are at the corners and B are at the face center. What is the formula? A corner एक हो गए, B तीन हो गए. तो A one B three. Answer तो simple है, B three. A one लिखें. अच्छा इसी में कुछ variations में बताता हूँ, जो important है. हाँ सर सर एक हाँ आप बोल दो ए एट द कॉर्नर एंड बी एट द फेस सेंटर यही रखते हैं अब एक कंडीशन डालता हूँ कि वन कॉर्नर एटम इज रिमूव्ड 1 - 1/8 तो
तो कितना बचा है यार सर 1 माइनस 1 बाय a 7 बाय 8 और b 3 मतलब a 7 b 24 a 7 b 24 काफी बार आया हुआ भी है हां आपने किया हां सॉल्व किया है हमने सो a जो है वो 1 बाय 8 इनटू 8 के हिसाब से आता है ना तो अगर एक कॉर्नर को निकाल दिया तो 1/8 निकाल दिया 1/8 निकाल दिया तो हमारे पास बचा 7 बाय 8 और b तो वैसे का वैसा है सो दिस विल बी इक्विवेलेंटली a 7 b 24 फार्मूला सर ऐसा वाला नहीं उसमें आता है कि एक पूरे फेस हां मैं बताता हूं सुनो हां डायगोनल को हटा दिया अगर हम NaCl की बात कर रहे हैं हां NaCl ठीक है और एक डायगोनल पासिंग थ्रू द फेस सेंटर इफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू फेस सेंटर इज ड्रॉन डायगोनल की एक्सिस 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 पासिंग थ्रू द फेस सेंटर कोई भी दो फेस सेंटर के थ्रू एक एक्सिस को पास किया और उसमें जितने एटम्स आ रहे हैं वो निकाल दिए तो फिर NaCl का फॉर्मूला क्या होगा हाँ तो Na का एक पूरा निकल जाएगा मतलब कौन सा निकलेगा बीच मतलब बीच वाला बीच वाला बॉडी का सेंटर निकल जाएगा बॉडी सेंटर निकलेगा परफेक्ट और आधा आधा मतलब फेस सेंटर नहीं तो है ना फेस सेंटर भी है दो निकलेंगे फेस सेंटर का एक टोटल दो निकलेगा Na जो होता है दैट ऑक्यूपाइज ऑल द ओवीज मतलब इट इज एट द एज का सेंटर एंड द बॉडी सेंटर ठीक है तो वो फोर एटम्स होते हैं और Cl ऑक्यूपाइज द FCC लैटिस पॉइंट्स मतलब कॉर्नर एंड फेस सेंटर तो वो भी फोर होता है कॉर्नर एंड फेस सेंटर ठीक है अब इस कंडीशन के बाद अगर हम बात करें तो एक्सिस पासिंग टू द फेस सेंटर मतलब दो फेस सेंटर एटम्स निकलेंगे यानी दो क्लोराइड और एक बीच का बॉडी सेंटर से भी पास होगा मतलब एक पूरा Na+ निकल जाएगा तो सर कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा ना 2 इनटू हाफ ना हाँ भाई एक Na और एक Cl निकला एंड में और एक पूरा Na निकला और एक पूरा Na निकला और Cl भी 3 होगा मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा NaCl ही रहेगा बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा समझा अब अगर बॉडी डायगोनल को कंसीडर सर अभी सर सर एक मिनट बॉडी का डायगोनल तो बॉडी डायगोनल से पूरा लाइन पास किया तो क्या क्या निकलेगा एज वाले निकलेंगे दो कॉर्नर के सीएल दो कॉर्नर वाले सीएल एक बॉडी सेंटर और बॉडी डायगोनल वाला एज तो निकलेगा ना सर एज के कॉर्नर तो निकलेगा ना हाँ दो कॉर्नर दो कॉर्नर एक बॉडी सेंटर और दो ओवीज निकलेंगे दो कॉर्नर प्लस एक बॉडी सेंटर का Na+ और Na+ बस इतना ही निकलेगा ना और क्या निकलेगा जाना ओवीज ओवीज ओवी निकलेगा ना सर ओवी तो एक ही निकलेगा ओवी उस पे होता है ना ओवी एज सेंटर पे होता है भाई एज का सेंटर एज ठीक है पर हमने कॉर्नर वाला फिर भी बॉडी डायगोनल से अगर प्लेन पास किया तो एज सेंटर से तो पास होगा ही ना नहीं मैंने एक्सिस बोला प्लेन नहीं पास कर रहा हूं अ लाइन पासिंग टू द बॉडी डायगोनल जितने भी एटम्स आ रहे हैं उसको निकाला हाँ हाँ ठीक प्लेन कंसीडर करेंगे तो अलग बात हो जाएगा यस सर ठीक है तो दो कॉर्नर के सीएल माइनस निकले मतलब 2 इनटू 7 बाय 8 सॉरी 2 इनटू 1 बाय 8 मतलब 1/4 ऑफ सीएल माइनस कम हो गया और ये पूरा एक Na+ कम हो जाएगा तो अब इसका नया फॉर्मूला क्या होगा Na का तो 3 होगा एंड सीएल विल बी 4 माइनस 1/4 करेक्ट नो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it will be 15 by 4. मतलब equivalently इसका formula होगा Na 12 Cl 15. ऐसा कुछ formula हो जाएगा. Clear? तो ऐसे जो भी variations आपको पूछे गए हैं उसमें कौन कौन से atoms निकल रहे हैं पहले वो सोचो उसके बाद उसका contribution सोचो और actual में से minus करो सर कभी कभी प्लेन भी आता है तो उसमें क्या कंसीडर करने का अब अगर सर एक प्लेन वाला ना बॉडी डायगोनल से प्लेन पास कर रहा है वो वाला एग्जांपल ले लो ठीक है तो बॉडी डायगोनल का अगर एक प्लेन कंसीडर किया तो क्या क्या निकलेगा बोलो चार चार कॉर्नर के सीएल निकलेंगे फिर फेस सेंटर दो निकलेंगे फेस सेंटर दो सीएल निकलेंगे
फिर एक दो एज सेंटर निकलेंगे और एक बॉडी सेंटर, हो गया ना? तो बॉडी डायगोनल का पूरा प्लेन अगर कंसीडर करोगे तो चार कॉर्नर सीएल माइनस निकलेगा। हाँ, चार कॉर्नर सीएल माइनस। फिर सर कैसे कैसे समझाओ ना सर। अभी विजुअलाइजेशन अरे क्यूब के डायगोनल, क्यूब के डायगोनल में स्क्वायर प्लेस कर दे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? तो बॉडी डायगोनल प्लेन मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है ये बॉडी डायगोनल प्लेन हो गया। तो आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर और चार कॉर्नर। और खाली बॉडी डायगोनल बोला तो? हाँ, खाली बॉडी डायगोनल किया ना भाई, अभी सो रहे क्या तू? तो थर्ड वाला है, वो बॉडी डायगोनल एक्सिस था, ये एक्सिस है, अ लाइन पासिंग थ्रू बॉडी डायगोनल। अब प्लेन है मतलब ये देखो, ये पूरा येलो पार्ट जो है वो बॉडी डायगोनल प्लेन हो गया, ठीक है? उसमें चार कॉर्नर गए, उसके बाद ये एज सेंटर होता है ना, ये दो एज सेंटर गए, फिर दो दो फेस सेंटर के, रुको एक एक करके लिखते हैं। हाँ, सो एक पूरा बॉडी का डायगोनल, सॉरी बॉडी का सेंटर, ये वाला ये भी जाएगा, मतलब एक पूरा बॉडी सेंटर एन ए प्लस, ठीक है? उसके बाद ये फेस का भी जाएगा, ये वाला, और सामने वाले फेस का भी जाएगा, मतलब दो फेस सेंटर जिसपे क्लोराइड है सीएल माइनस, और दो एज सेंटर एन ए प्लस जाएगा, एन ए प्लस ठीक है। तो ये सब गया, इतना समझा पार्श्व? जी समझा। अब कंट्रीब्यूशन अगर कर रहे हैं तो 4 × 1/8 करोगे, that is half, half CL minus, ये पूरा Na plus जाएगा, that is one, two into half तो one CL minus, ये two into head center का contribution, one fourth, यानी half Na plus, यानी total Na plus 1.5 गया और टोटल सी एल माइनस भी 1.5 गया, तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होगा? एन ए 5/2 एंड सी एल भी 5/2। क्लियर? सर एक और है इसमें, एक मिनट। हाँ, टीवी का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है? एक बड़े के क्यूब, बड़े क्यूब को अगर 8 छोटे क्यूब्स में ब्रेक डाउन करो तो उन छोटे छोटे 8 क्यूब्स के बॉडी सेंटर पे टीवीज होता है। तो अभी उसमें हाँ मतलब बॉडी डायगोनल अगर पास किया तो टीवी से पास होगा ना? हाँ, चार टीवीज जाएगा एक बॉडी डायगोनल के, मतलब एक एक बॉडी डायगोनल के ऊपर चार टीवीज होते हैं ना? हाँ, चार टीवीज होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। The correct name of the following structure is EZ notation पूछा है। अब EZ का concept क्या था? Looking at the double bond, you assign the priorities on either sides of the double bond, groups या substituents. And अगर 1-1 same side पे है, तो फिर friend यानी Z, और 1-1 opposite side पे है, तो enemies यानी E. तो अब एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी हम कंसिडर करते हैं, तो दिस इज 6 एंड 1, सो दिस विल हैव अ प्रायोरिटी 1 एंड दिस विल हैव 2, ऑन द अदर साइड ये वापस 6 और 1, लोअर प्रायोरिटी 2 और ये 1, मतलब लेफ्ट साइड वाले डबल बॉन्ड का Z नोटेशन है, हां Z है, Z हो गया ना। अब अगर मैं इस डबल बॉन्ड कार्बन कंसिडर करूं तो यहाँ पे C और H, तो दिस इज 1-2 एंड ऑन द अदर साइड दिस इज 1-2, और ये एनिमेज हो गया अभी, मतलब ये डबल बॉन्ड का E नोटेशन है। तो Z और E का कॉम्बिनेशन है, मतलब आइदर C होगा या D होगा। अब इट्स जस्ट द IUPAC नेम व्हिच इज टू बी 2-4-2-4, सो 1-2-3-4-5-6, 2-4 पे डाइन है, मतलब EZ 2-4 dyne, the correct answer is option D.
This is EZ notation similar to cis-trans. Clear? Yes. Next, एक सीक्वेंस है क्लोरोफॉर्म विद एयर ऑक्सीडेशन. क्लोरोफॉर्म का एयर ऑक्सीडेशन क्या देता है? एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स यू फॉस्जीन. अब फॉस्जीन को रिएक्ट किया है बेंजीन के साथ इन एनहाइड्रस AlCl3. कौन सा रिएक्शन? फ्रीडलक्राफ्ट. फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन होगा. बेंजीन में COCl बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर दो क्लोरीन है, मतलब यहाँ पर डबल फ्रीडलक्राफ्ट होगा. मतलब क्या, फर्स्ट स्टेप में आपको बेंजोइल क्लोराइड मिलेगा, वापस वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, Cl उड़ाएगा और बेंजो फिनोन बनाएगा. The correct answer is not benzoyl chloride. It will be benzophenone because of 2Cl. क्या होगा ना, एक ही बेंजीन के दो H साथ में निकलेंगे. सॉरी, दो मोल्स ऑफ बेंजीन यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, और दो एच निकलेगा टू फॉर्म द 2HCl एज द बाई प्रोडक्ट. द करेक्ट आंसर इज बेंजोफिनोन. ये काफी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, क्लोरोफॉर्म टू फॉस्जीन एंड फॉस्जीन टू बेंजोफिनोन. Friedel-Crafft acylation. Yes, sir. Next, an organic compound A of the molecular formula C5H10Cl2. Kiska formula hai ye? Dihalide. Kiska matlab dihalide. Now ye vicinal ya geminal, kuch bhi ho sakta hai. वो नहीं पता है. जर्मिनल होगा क्योंकि जर्मिनल होगा क्योंकि बी पीएच होता है. एक मिनट जनाब, एक मिनट. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज हाइड्रोलाइज्ड. नाउ डाइहैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हिच प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है. तो ये कंपाउंड ए है व्हिच इज हाइड्रोलाइज्ड टू कंपाउंड बी और फॉर्मूला चेक करके क्लियर है कि इट इज एन एल्डिहाइड और अ कीटोन. नाउ दिस गिव्स एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल अमाइन. एल्डिहाइड कीटोन ऑक्साइम देते हैं एंड येलो प्रेसिपिटेट विद अ मिक्सचर ऑफ I2 एंड NaOH. हाय, अरे मतलब वो आयोडोफॉर्म. आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया. तो आयोडोफॉर्म टेस्ट है मतलब ये एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज आयोडोफॉर्म टेस्ट में एक ही डबल बॉन्ड हो, दैट इज एल्डिहाइड. पांच कार्बन है मतलब ये कीटोन ही होगा. कीटोन में भी स्पेशल कीटोन, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन, मतलब ये 100% मिथाइल कीटोन होगा. और आगे का पार्ट C3H7 एन प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, बट इतना पार्ट तो कंफर्म है कि होगा ही. मतलब दिस क्लोराइड शुड हैव द टू क्लोरीन ऑन द सेम एटम, सेकेंड कार्बन एंड ऑन द सेम एटम. ये जेमिनल वाला हैलाइड होना चाहिए, डाइहैलाइड. और आगे का पार्ट कुड बी C3H7 इन द फॉर्म ऑफ N-propyl या isopropyl. सो फर्स्ट वाला अगर देखोगे, इसका शॉर्टकट मैंने दिया था, CCl2 का हाइड्रोलिसिस CO देगा डायरेक्टली, तो ये पेंटेन 3-ओन देगा, ठीक है, ये आपको पेंटेन 2-ओन देगा और ये आपका आंसर भी है. ये क्या देगा? CHO देगा ना, ये एक सेकंड एल्डिहाइड देगा. अरे Cl2 उड़ा वो लगाओ CHO बन जाएगा, ठीक है. और इस केस में आपका विसिनल ग्लाइकॉल मिलेगा ऑप्शन डी में, बिकॉज आजू बाजू क्लोरीन है. तो आजू बाजू क्लोरीन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो विसिनल डायोल मिलेगा विच इज नथिंग बट अ ग्लाइकॉल. चारों प्रोडक्ट्स मैंने बता दिए, बट हेलोफॉर्म टेस्ट है तो मिथाइल कीटोन आना चाहिए. मतलब इट शुड बी a geminal dihalide with 2 chlorine on the non terminal position, but that too on the second carbon. Is that clear? Sir, A wala ketone banayega na, thoda bahut. Ha, pentane 3-ओन bataya na, pentane 3-ओन banayega. Ha ha ha. Okay. Next, which of the following compound is oxidized to prepare ethyl methyl ketone? Can you tell me the direct products of the alcohols on oxidation? 2 propanol kya dega? एसीटोन. एसीटोन.
one butanol butyraldehyde n butyraldehyde to be specific yeah the butyraldehyde or the butyric acid अगर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड तक की बात कर रहे हैं टू ब्यूटेनॉल देगा आपको ये इथाइल मिथाइल और ये इथाइल मिथाइल कीटोन भी होता है तो आंसर तो सी है थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन क्या देता है सर एलिमिनेशन हो जाएगा एलिमिनेशन होगा यू गेट अ फेमस एल्कीन एंड व्हेन आई से फेमस आइसोब्यूटाइल चारों प्रोडक्ट्स मिल गए आंसर है आपका सी Which type of halogen containing compound could react with OH minus to give a carboxylic acid? Carboxylic acid, कौन से type का halide? C, C sir, C, trihalide. देखो, first वाला तो आपको primary alcohol देगा. एक ही halide है तो alcohol मिलता है. दो halide में अभी हमने देखा कि वो तो या तो aldehyde देगा या ketone. ये एक terminal वाला था इसे aldehyde देगा. अब इस केस में क्या होगा तीन ओ एच एक ही कार्बन पे आ जाएगा तो वो इमीडिएटली वाटर लूज करता है एंड वाटर लूज करने के बाद इट गिव्स यू अ कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है दिस विद द लॉस ऑफ वाटर विल फॉर्म आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आंसर इज ऑप्शन सी Hunsticker reaction is given by borodine Hunsticker reaction is given by aldehyde ketone acid ya all yaad hai kisi ko Hunsticker aise naam se to yaad hai par kya tha yaad nahi aa raha hai wo agbr wala sir agbr wala silver salt of acid ka reaction hai ketone shayad na 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 silver salt of acid kya acid hai आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या है बोरोडीन हंसस्टिकर जस्ट पे अटेंशन यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स ट्रीटेड विद सिल्वर सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड अब बोरोडीन हंसस्टिकर में इट इज एडेड विद Br2 ऑन रिएक्शन विद Br2 द सिल्वर विल इमीडिएटली फॉर्म अ सिल्वर ब्रोमाइड Plus, this is an example of a decarboxylation reaction. So, on heating, the carbon dioxide gets eliminated, and the R bonds with Br to form alkyl bromide. So, alkyl bromide का ये preparation method है, which is prepared from a carboxylic acid. So, the reaction is given by carboxylic acid clear yes sir next nitrobenzene can be converted into azobenzene by ye coupling wala coupling wala azo coupling are azobenzene coupling mein kab banta hai diazonium salt se azobenzene coupling hai nitrobenzene se azobenzene is not coupling nitrobenzene to azobenzene is reduction reaction in fact ye charo reducing agent hai main aapko charo reactions bata raha hu dhyan do apna nitrobenzene matlab i can write arno2 then double bond o coordinated with o first one zinc with NaOH zinc in alkaline medium second is lithium aluminium hydride that is a reducing agent then we have zinc with ammonium chloride followed by hydrolysis and then we have a strong base which is CH3ONa dissolved in methanol Now LiLH4 जो है ना दिस फॉर्म्स द अजोबेंजीन अजोबेंजीन क्या होगा ए आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ए आर नाइट्रोबेंजीन रिड्यूसेस टू अजोबेंजीन विथ LiAlH4 जिंक एंड ओ एच माइनस इसको फर्दर रिड्यूस करता है
और फर्दर रिडक्शन में ये देता है ए आर एन एच एन एच ए आर. नाउ दिस इज कॉल्ड अजो बेंजीन एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजो बेंजीन. हाइड्रोजो बेंजीन हैंड रिटन नोट्स में मैंने पूरा नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के प्रोडक्ट्स समराइज किए हैं इन द कैटेगरी रिडक्शन रिएक्शंस. थ्योरी नोट्स सर? नहीं नहीं हां सर वॉल्यूम 5 में एंट्रेंस नोट्स रिडक्शन देख लो एक बार. वॉल्यूम जिंक अमोनियम क्लोराइड विद वाटर ये पार्शियल रिडक्शन है नाइट्रोबेंजीन का जो थ्योरी में भी पढ़ा है हमने. इसके दो रिडक्शन थे एक कंप्लीट रिडक्शन. कंप्लीट रिडक्शन में हम क्या करते हैं SnHCl या FeHCl यूज करते हैं. NH2 बनाता है. यस सर. नाइट्रोबेंजीन फेमसली कन्वर्ट्स इनटू एनिलीन विद दिस रिएक्शन. यस सर. बट द पार्शियल रिडक्शन गिव्स यू Ar N नाइट्रोसोबेंजीन. ना 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 ये अमाइन सॉरी हाइड्रोक्सिल अमाइन देता है. फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन. हाइड्रोक्सिलामाइन का फॉर्मूला क्या है? NH2OH. NH2OH. H2NOH. NH2OH. यहाँ पर Ar NHOH बनता है जिसको हम नाम देते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन. ये पार्शियल रिडक्शन इनफैक्ट ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है. इसी को वापस रिड्यूस करोगे तो यहाँ से NH और H कंबाइन होकर ऑक्सीजन निकल जाता है द फॉर्म ऑफ H2O एंड दैट इज हाउ यू गेट द नाइट्रोबेंजीन कन्वर्टेड टू एनिलीन. ये दो रिएक्शन तो थ्योरी में पढ़े भी हमने ठीक है. और फिर मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल के केस में वो अजोक्सीबेंजीन देता है. अजोक्सीबेंजीन मतलब जो अजोबेंजीन है उसी में एक नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ. मतलब स्ट्रक्चर होता है Ar N डबल बॉन्ड N Ar एंड देन वन ऑफ द नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटेड कहीं पे भी करो सिमेट्री है. ये अजोक्सीबेंजीन है. ये पांच रिएक्शंस एटलीस्ट आप नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के याद रखो. क्लियर? LiAlH4 के साथ अजोबेंजीन, जिंक अल्कली के साथ हाइड्रोजोबेंजीन, जिंक एसिडिक मीडियम यानी अमोनियम क्लोराइड में फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल ये स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम बोल सकते हैं अजोक्सीबेंजीन देता है, और कंप्लीट रिडक्शन विद SN डाइल्यूट HCl विल फॉर्म एनिलीन. फाइव रिएक्शंस ठीक है. तो नाइट्रोसोबेंजीन Fe के साथ देता है ना? हाँ Fe नाइट्रो सोबेंजीन देता है ना. अब नाइट्रोसोबेंजीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? NO वाला C से H5 NO NO Ar N डबल बॉन्ड O. वो Fe आर्सेनाइट वाला रिएक्शन है. हाँ और NO वो भी Na3 EDGB EDGB EWGB EDGB EWGB वो अलग है. वो अलग है Fe और NaOH या फिर Fe Na3AsO3 आर्सेनाइट वाला रिएक्शन है ठीक है. Next, okay, sir. Two liquids A and B on mixing form an ideal solution. Matlab will follow Raoult's law. At certain temperature, the vapor pressure of the solution containing 3 moles of A and 1 mole of B is 550 mmHg. Easiest. But when 4 moles of A and 1 mole of B are mixed, the vapor pressure of the solution formed is 560 mmHg. Vapor pressure pure liquid A ka kitna hoga? टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी. अब दो इक्वेशंस आपको बनाने हैं. पहले केस में क्या है 550 इक्वल टू 3/4 इनटू पी ए इनटू पी ए नॉट प्लस 1/4 इनटू PB0 और ये जब मोल चेंज करते हैं तो 560 होता है और उस केस में क्या 4/5 PA0 होगा और 1/5 PB0 होगा. Simultaneously सॉल्व करोगे तो आपको 600 मिलेगा as the answer. ठीक yes. Next
heat of formation of 2 moles of ammonia is minus 90 kilojoule. We know that is an exothermic reaction. Bond energies of HH, NH are given respectively. Value of bond energy of N triple bond N will be. First step, क्या करोगे? हाँ तो summation so, reactants minus product. Summation bond of reactants minus formation minus product. And to apply that formula, first step is पहले reaction पहले reaction लिखना है. First step is to write the reaction. Bromate constituent element. Plus twice of NH2 gives twice of NH3. अब आप देखो आपको क्वेश्चन में दिया है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए तो आप रिएक्शन भी अमोनिया के लिए लिखोगे लेकिन मान लो अगर आपको 1 मोल अमोनिया दिया होता या पर मोल दिया होता तो थ्रू आउट डिवाइड बाय 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन मिस्टेक होती है इसमें होती रहती है ठीक है तो ध्यान रखना सो नाउ फॉर दिस रिएक्शन आई कैन राइट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स रिएक्शन का एंथैल्पी माइनस 90 दिया है ठीक है रिएक्टेंट्स में एन ट्रिपल बॉन्ड एन का एनर्जी हमें ढूंढना है प्लस thrice of bond enthalpy of HH दिया है कितना into 435 और वो तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि तोड़ने का एनर्जी है तोड़ने का है पर मोल है ना वो सर हां तो 4 मोल 2 3 किया ना भाई हां 3 किया ना बराबर हां हां किया किया ठीक है और अब NH3 में तीन NH bonds होते हैं into 2 और into 2 भी करना पड़ेगा मतलब twice NH3 में टोटल 6 bonds होते हैं और एक NH bond का दिया हुआ है तो यहां पर क्या होगा 6 into 390 ठीक है सो एक ही अननोन है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन आफ्टर सॉल्विंग आपको मिलेगा 945 किलो जूल्स दैट इज ऑप्शन डी ठीक है अच्छा एक और चीज जो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन है उसके तीन फॉर्मूलास थे एक तो बॉन्ड एंथैल्पी जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेते हैं दूसरा कंबशन में भी दिया होगा तो क्या कंबशन दिया होगा तो व्हाट माइनस व्हाट हां वही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट एंथैल्पी के लिए रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट होता है बट अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा तो फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस रिएक्टेंट्स होता है तो ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलास है सो फॉर्मेशन के अंदर इनटू नंबर ऑफ मोल्स करना होता है वो तो सब में होता है जो भी यहां पर मोल होंगे वो तो मल्टीप्लाई करना ही है वो किलो जूल पर मोल में दिया होगा तो करना पड़ेगा ना वो स्टैंडर्ड ही होता है हमेशा अगर कोई स्टैंडर्ड देते हैं बराबर वो स्टैंडर्ड ही देते हैं इसलिए हम यहां पर नॉर्मली डेल्टा एच नॉट यूज करते हैं फार्मूलास में नेक्स्ट व्हेन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन इज ट्रीटेड विद एक्वियस KOH It follows SN1. The product formed is butane ka parent, 2 pe bromo. Tertiary banayega sir, carbocation, 2 methyl, 2 butanol. Answer tertiary hai. EC. Yeah, stable carbocation. Kyunki agar mechanism soche to sabse pehle yahan par Br- hydride shift hoga na sir. Hydride and it will form a secondary carbocation which is CH plus then CH, CH3 and CH3. Now secondary carbocation will try to change into tertiary and यहाँ पर होगा hydride shift. तो अदला बदली करना है और अदला बदली करने पर the secondary will change to a tertiary carbocation CH3, CH2, C, CH3 and CH3. And finally यहाँ पर bond हो जाएगा OH and the product will be 2 methyl butane 2 all. So अगर direct करोगे तो फिर Br की जगह OH सब्स्टिट्यूट करोगे 3 methyl 2 butanol आएगा व्हिच विल बी रॉन्ग सो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट सोचना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर कौन से आइसोमर्स फंक्शनल
मतलब कोई भी आइसोमर्स हो सकते हैं. हाँ है यही है, यही है, यही है. इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स. इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर आर नॉट आइसोमर्स ओनली बिकॉज़ दे डोंट हैव द सेम मॉलिक्यूलर नंबर. कीटोन एंड अल्कोहल में कोई आइसोमरिज्म नहीं होता है, एसिड और कीटोन में भी नहीं होता है. तो बस आंसर ये है. कार्बोलिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ फिनॉल. ओल्ड नेम. In blast furnace, the highest temperature is in which zone? Theory notes. सामने है? हाँ नीचे. हाँ. नीचे वाला ना? क्या बोल रहे हो? ज़्यादा temperature देखो किधर है? Combustion zone at the base. Combustion zone. Zone of combustion, which is at the base. Base. ठीक है. तो combustion में क्या होता है? Carbon burns in oxygen to form CO2. This is the combustion reaction. Which produces a very high energy and a temperature of around 2200 Kelvin. This is zone of combustion. Upar jayenge to ye wala jo hai, this is called zone of slag formation. Slag formation. Aur upar jayenge to ye hota hai zone of reduction. Aur ye aapka sabse important hai, zone of reduction. So zone of reduction mein Fe2O3 hematite gets reduced by carbon monoxide to form carbon monoxide and CO2. But usme intermediate mein agar dekhoge to Fe2O3 hematite pehle convert hota hai magnetite mein aur fir magnetite carbon monoxide ke sath reduce hokar iron oxide mein convert hota hai aur fir iron oxide carbon monoxide se reduce karke iron deta hai. To ye reaction mein agar aap intermediates ki baat karo तो द हेमेटाइट इज चेंज टू मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इज चेंज टू FeO एंड देन द FeO इज फाइनली रिड्यूस टू Fe. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. बाकी स्लैग फॉर्मेशन में क्या होता है? जो हम कार्बोनेट यूज करते हैं दैट डीकम्पोजेस टू फॉर्म CaO एंड CO2. ठीक है. फिर सी ए ओ जो है वो ऑलरेडी कंबाइन करता है बेसिक फ्लक्स और यहाँ पे बनाता है सी ए एस आई ओ थ्री. फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटीज. तो ये बेस है तो इसको बेसिक फ्लक्स बेसिक फ्लक्स और ये एसिड एक एसिड गैंग 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 इम्प्योरिटी. और जो स्लैग होता है वो मोल्टन फॉर्म में लाइटर होता है या हेवियर होता है मेटल से? लाइट. स्लैग इज लाइटर इसीलिए इट फ्लोट्स. देख रहा है मोल्टन स्लैग फ्लोट्स ऑन द मोल्टन मेटल एंड इट प्रोड्यूसेस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेशन. प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. दूसरा ब्लास्ट फर्नेस से जो आयन मिलता है वो कौन सा मिलता है? पिग आयन. पिग आयन जिसमें द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज अराउंड 4%. अब अगर इसको कास्ट करते हैं तो फिर कास्ट आयन बनता है. कास्ट आयन स्लाइटली लेसर कार्बन होता है व्हिच इज अराउंड 3%. और जो प्योर फॉर्म ऑफ आयन होता है दैट इज कॉल्ड रॉट आयन व्हिच कंटेन्स अबाउट 2% नहीं इट इज अराउंड 0.2%. इसका रेंज आगे तक जाता है बट मिनिमल रेंज की अगर बात करें तो इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयन व्हिच इज वेरी वेरी लेस. That is 0.2% of carbon available. ठीक है. और जो cast iron मिलता है वो hard और brittle होता है. Cast iron. Pig iron सबसे ज़्यादा होगा ना sir. Very soft. Pig iron is hardest ना sir. हाँ, because percentage of carbon ज़्यादा है. Carbon सबसे ज़्यादा. ठीक है. जैसे-जैसे carbon percentage कम होगा hardness भी कम होते जाता है. Yes, soft. ठीक है. तो ये blast furnace का एक concept. अच्छा, ऊपर से जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? Four limestone and coke. अरे हाँ वो 12:5:3 12:5:3 वाला रेशियो ना सर. Four ना. What is that called? Sir, shit, one second. Charge. Charge. So charge is poured from the top. Four plus limestone plus coke. Coke combustion के लिए, limestone slag के लिए, and ore to extract the metal. So 5:4 था कि 12:5:3 Next, a cuprous ore among the following is cuprous, yani Cu plus one.
मैलेकाइट, क्यूपराइट, कैलामाइन या क्रायोलाइट? सर मैलेकाइट सर। मैलेकाइट का फॉर्मूला बोलो सर। COCO3OH नहीं एक ही होगा, एक आता है, एक ही होगा जाएगा। It is basic copper carbonate CuCO3.COOH2H. But इसी के साथ हमेशा आप याद रखोगे क्या? Azurite. और azurite में ratio 2CuCO3 का होता है is to 1COOH2H. ठीक है, तो इसमें तो copper plus two है ना? Plus two है। cuprous वाला और नहीं है। नहीं है। Cuprite is cuprous oxide. This is cuprous ka ore. Answer B hai. Calamine is ZnCO3. Zinc ka carbonate. Cryolite Na3AlF6. Na3AlF6. Aluminium ka. हाँ. Na3AlF6. उसमें use होता है ना? हाँ. Bauxite. Solvent बनाने के लिए. Solvent नहीं. Reduce the melting point. Reduce the melting point and increase the electrical conductivity. Conductivity. Yes, sir. Next, in which of the following H2O2 is acting as a reducing agent? काफी simple concept है इसमें, लेकिन काफी ज़्यादा mistakes करके आते हैं बच्चे। बताओ कौन सा होगा? How do you identify? एक मिनट सर, देख लेते हैं। Reducing agent ना? हाँ सर, C ना? C. परऑक्साइड जो है इट इज इन द मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड किसी भी एटम का अगर मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन होने की टेंडेंसी शो करता है तो जब वो ऑक्सीडेशन करेगा तो इट विल चेंज टू O0 मतलब प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीजन गैस देखना है तो व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट H2O2 एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट ऑब्जर्व द O2 इन द प्रोडक्ट अब रिडक्शन करेगा तो इट विल डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब द प्रोडक्ट विल हैव एन ऑक्साइड एंड व्हेन द परऑक्साइड इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको H2O के फॉर्म में ऑब्जर्व करना है प्रोडक्ट्स में अब कहीं बार H2O और O2 साथ में भी प्रेजेंट हो सकता है लेकिन सिर्फ O2 अगर रहेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के बिहेवियर को शो करेगा क्लियर अब इस केस में आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन में आपको O2 दिया हुआ है सो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन मतलब द परऑक्साइड विल चेंज टू O2 यस तो वाटर हो ना हो लेकिन O2 अगर है तो फिर सॉरी यहाँ पे ये नहीं है सॉरी आई विल कम बैक टू दिस अगर परऑक्साइड इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको ऑप्शन में सिर्फ प्रोडक्ट के साइड पे वाटर देखना है ठीक है बट जब वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है एजी का ही देख लेंगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट O2 के अलावा वाटर भी हो सकता है बट वाटर हो ना हो अगर O2 है मतलब वो कंफर्म है ठीक है मतलब कई बार ऑप्शन में क्या होता है कि वाटर दिखता है दो ऑप्शन में और पूछा है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से रिएक्शन में परऑक्साइड बिहेव कर रहा है तो उसके इसमें ओनली वाटर अगर रहेगा ना ओनली वाटर तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वाटर और ऑक्सीजन दोनों होगा तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर शो करेगा तो ये केस में देखो आप वाटर और ऑक्सीजन दोनों था ठीक है नेक्स्ट इक्वल मासेस ऑफ मीथेन हाइड्रोजन गैसेस आर मिक्स्ड इन अ कंटेनर एट 300 केल्विन fraction of total pressure exerted by methane gas is mole fraction perfect fraction मतलब क्या pressure exerted by methane upon total pressure now हमें पता है partial pressure क्या होता है mole fraction of mole fraction into the total pressure तो जब fraction पूछा है तो आपको सिर्फ mole fraction find करना है Now equal masses of methane hydrogen दिया है, तो let the mass be equal to W. तो moles of methane क्या होगा? W upon 16 upon total moles क्या होगा? W upon 16 plus W upon hydrogen का 2 multiply by 8 16 cancel हो गया, तो ऊपर W आएगा,
और नीचे W प्लस 8W यानी 9W, ये तो इक्वल मास है, मतलब 1:9 इज द फ्रैक्शन. क्लियर? पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, बोस रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम. रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 4, सॉरी, इनटू 4. परफेक्ट. Rn is equal to 2.53 into n square by z. जब हाइड्रोजन है तो z का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई स्पीशीज हाइड्रोजन के अलावा Li2 प्लस या Be3 प्लस दिया हो तो उसमें z भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है, मतलब 0.53 into 4. It is around 2 angstrom will be the answer. Option D. अच्छा, इसके तीन formulas मैंने बताए थे आपको. En. Energy velocity. Rn और Vn. Vn. तो En is equal to n square. Z square by n square. 3.6 into z square by n square. Z square by n square. And the unit is my EV. Rn will be equal to 0.53 into 0.53. उल्टा करो, n square by z. square by z. और angstrom में होता है. Vn is 2.2 into 10 raised to 6. 2 into 10 raised to 6. 2 into 10 raised to 6. Into उल्टा करो. Z by n. And meter per second. Very good. ऐसा unit होता है meter per second. क्लियर? समझा? यस सो इसमें मैंने याद क्या रखने बोला था, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, उल्टा एन स्क्वायर बाय जेड और उल्टा जेड बाय एन. तो ऐसे ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखना सिंपल हो जाता है. द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज ऑब्वियसली वन. ये क्वेश्चन में कुछ और चीज बता देता हूँ. सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इंडिकेटेड बाय PV by RT. And it is also equal to V real upon V ideal. Important hai. Compressibility factor is the ratio of real volume upon the ideal volume. ठीक है. First case Z equal to 1, मतलब ideal gas होता है. That is okay. बाकी केस क्या होता है, सेकंड केस ग्रेटर देन 1. अब जेड ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, द रियल वॉल्यूम वुड बी ग्रेटर देन द आइडियल वॉल्यूम. अब रियल वॉल्यूम ग्रेटर होने के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने चाहिए या स्ट्रॉन्गर. वीक. तो देखो कैसे रिलेशंस याद रखना है. जेड ग्रेटर देन 1 मतलब वो रियल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा. And for the real volume to exceed, the attraction between the gas molecule should be weak. A weak attraction jab rahega, to will it be easy to compress or difficult? Difficult. That is why difficult we say z less than 1, matlab it will be less compressible. So isko bolte hai positive deviation, but less. H2H, you know, sir. Hydrogen helium. इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन, बट द गैसेस अंडर दिस एग्जांपल विल बी लेस कंप्रेसिबल. एंड लेस कंप्रेसिबल सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है मीथेन, इसके अलावा H2HE, जिसके स्ट्रेट लाइन थे z ग्रेटर देन 1 के लिए. ठीक है. हाँ, और खाली 0 केल्विन पे ही टच होता था नीचे. हाँ, और एक बात, जब लेस कंप्रेसिबल होगा तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए एंड बी, द वैन डर वाल्स कांस्टेंट. क्या क्या सर वापस, व्हाट इज द कंडीशन फॉर वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी इफ द गैस लो प्रेशर और हाई प्रेशर. अट्रैक्शन वीक है ना. हाँ, मतलब ए कम होना चाहिए कि ज्यादा. ए कम होना चाहिए. लो ए हाई बी. बहुत बार ए और बी के वैल्यूज देकर आपको पूछते हैं ये कम कंप्रेसिबल है कि ज्यादा कंप्रेसिबल. So a gas which is having low value of A and a high value of B will be less compressible. अब इस सब को अगर आप उल्टा कर दोगे तो थर्ड केस बहुत इजी हो जाता है. लिख लेता हूँ.
z less than 1, less than 1 मतलब real volume कम हो गया, मतलब now you will have stronger attraction between the gas molecules. Yes or no? Now stronger attractions मतलब yes, s will be easy to compress, so it will be more compressible. So the gases which are more compressible show a negative deviation. ठीक है, conceptually याद रखो. और more compressible होगा तो examples under this are nitrogen, ammonia, water, N2 भी है. Having edge bonding and more compressible की condition अब क्या हो जाएगी? High value of A. High A, low B. तो इससे काफी सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, खाली इतना याद रखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए. सर और वो भी बता दो ना, लो प्रेशर पे किसको नेगलेक्ट करने का है और हाई प्रेशर पे? लो प्रेशर पे बी को नेगलेक्ट करना और हाई पे ए को इग्नोर करना है. हाई पे अपना वेंडर वाल्स इक्वेशन क्या है? पी प्लस एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर. ए बाय वी स्क्वायर को 1 मोल कंसीडर करते हैं नॉर्मली. B minus RT. ठीक है, अब इसमें अगर बोलते हैं हाई प्रेशर पे वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इग्नोर ए को, इग्नोर करो ए. और लो प्रेशर पे क्या हो जाएगा? बी को इग्नोर, इग्नोर बी. एंड अ रियल गैस विल बिहेव एज द आइडियल गैस HTLP. Low pressure, high temperature. HTLP. Real gas will behave like an ideal gas under the condition of high temperature and low pressure. Clear? Yes. Next, the crystal field stabilization energy CFSE is highest for. काफी अच्छा question है. लिगेंड का स्ट्रेंथ एंड द चार्ज ऑन द मेटल. ठीक है, तो CFSE ज्यादा होने के लिए कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देख लेने का. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड अ हाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मेटल. ठीक है, इतना याद रखो. आंसर तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था, लेकिन अगर CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करने बोली तो मैं बताता हूँ, ध्यान दो. 0.4 - 0.4 into T2G. COF4 2 negative. सबसे पहले देखने का टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल? टेट्राहेड्रल. ये टेट्राहेड्रल है. दूसरा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है? +3, +2 है. अब कोबाल्ट होता है 3D7 4S2, दो गया तो 3D7 का कॉन्फ़िगरेशन. अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेरी सेंटर से जब स्प्लिट होता है तो नीचे क्या आता है? EG. और ऊपर T2G. मतलब नीचे दो और ऊपर तीन. अब 7 इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड कैसा है? अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें तो इस बेरी सेंटर से यहाँ तक और यहाँ तक नीचे 0.6, ऊपर 0.4. अब याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं. यहाँ पे जब दो ऑर्बिटल्स है तो इसका एनर्जी 3/5 ΔT लिखते हैं, और जहां पे तीन होता है उसको 2/5 ΔT लिखना है. और ये जीरो से ऊपर जा रहा है प्लस, ये जीरो से नीचे जा रहा है तो माइनस. समझा? तो अब CFSE कैलकुलेट कैसे करते हैं? नीचे का लेवल क्या है? -3/5, यानी -0.6 into number of electrons.
इनटू इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? चार. क्लियर. और डेल्टा टी प्लस 2/5 यानी 0.4 इनटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन. और डेल्टा टी कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? -2.4 और 1.2 प्लस, तो -1.2 डेल्टा टी. समझा? नेक्स्ट वाला अगर देखोगे तो ये भी अपना टेट्राहेड्रल है एंड इसका सीएफईसी का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, टेट्राहेड्रल है और प्लस टू में है. सर, और लास्ट वाले का भी सेम आएगा. तो ऑप्शन ए बी एंड सी ऑल विल हैव द सीएफईसी एज -1.2 डेल्टा टी. ठीक है. अब ऑक्टाहेड्रल ए बी सी ए बी और डी तीनों का तो वैसे भी वर्ल्ड प्लस टू ही है, वीक फील्ड लिगेंड है और टेट्राहेड्रल है, कॉमन चीज है ना, तो सीएफएसी का कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर यही रहेगा. अब कोबाल्ट का अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है पहली बात, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो प्लस थ्री है. कोबाल्ट इज 3d7 4s2, अब तीन निकालो तो 3d6 हो जाएगा. देखो फ्लो कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना, पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसका डी इलेक्ट्रॉन्स. अब स्प्लिटिंग बेरी सेंटर से, ये होगा जी ऊपर जी और ये ई जी. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन. लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो 1 2 3 पेयरिंग होगा 4 5 6. ठीक है. और अब वापस यहाँ पे ट्रिक वही है, नीचे तीन है तो फिर ये 2/5 डेल्टा नॉट लिखेंगे. नॉट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल नेगेटिव और ये प्लस 3/5 इनटू डेल्टा नॉट. तो अब इसका सी एफ एस ई विल बी इक्वल टू माइनस 2/5 इनटू 6 इनटू 6 डेल्टा नॉट. ऊपर तो कुछ नहीं है ना, -2.4 डेल्टा नॉट आएगा. अब और डेल्टा डी 4/9 और ये 4/9 हां 4/9 डेल्टा नॉट को डेल्टा नॉट पे कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन था, 45% ऑफ डेल्टा नॉट होता है और 45% आता कैसे है? 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा नॉट आएगा 4.8 डेल्टा नॉट. हां डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट सॉरी, सो दिस विल बी 0.530 मतलब 3 और डेल्टा नॉट 0.53. ठीक है. अब सीएफएसई को हम नेगेटिव साइन के साथ कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते, नहीं करते. आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेक करना होता है. Yes. So highest CFSE with the greater magnitude is of CONH363+. Minus को नहीं देखना है. In fact, जितना ज़्यादा negative उतना ज़्यादा stable, ऐसा concept है. Yes. समझा? तो in case अगर कोई question भी आ जाता है CFSE को calculate करने का, तो वो भी मैंने tetrahedral octahedral दोनों के लिए बता दिया है. Clear? इसमें काफी yes, concept पर किए मैंने. Yes, sir. Next, when 50 cm cube of a strong acid is added to 50 cm cube of an alkali, temperature rises by 5 degree Celsius. If 250 cm cube of each liquid are mixed, the temperature rise will be 5 ही होगा. कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस यानी अल्कली के साथ, अल्कली मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ना, तो एनर्जी सेम निकल रहा है. न्यूट्रलाइजेशन होगा तो एनर्जी सेम -13.7 टू मीनिंग H+ फ्रॉम द एसिड एंड द OH- फ्रॉम द बेस. द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज फिक्स्ड फॉर 13.7 एंड दैट इज माइनस -13.7 किलो किलोजूल किलो कैलोरी. हां और 53 इतना आता है, और कुछ 53 इतना आता है जूल 7.3 57 माइनस 57.3
किलो जूल पर मोल और इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज अ फिक्स्ड वैल्यू ना. यस, एंड इफ इट इज फिक्स्ड वैल्यू मतलब इट्स टेंपरेचर चेंज विल आल्सो बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द एसिड एंड बेस व्हिच आर गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड. ठीक है, तो आंसर जितना टेम्परेचर राइज पहले था उतना ही अभी भी रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, अ बाइनरी सॉलिड हैज अ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर विद बी माइनस कॉन्स्टिट्यूटिंग द लेटाइस एंड ए माइनस ऑक्युपाइंग 25% ऑफ द टीवी. अच्छा, बी माइनस कॉन्स्टिट्यूटिंग लेटाइस मतलब जिंक ब्लेंड में बी माइनस एफसीसी लेटाइस पॉइंट्स ऑक्युपाई करता है सल्फाइड, तो ये 4 होगा और जो ए प्लस होना चाहिए, रादर ए प्लस सो इट विल बी ऑक्यूपाइंग 1/4 ऑफ टीवीज. टीवीज डबल होते हैं. यस सर. ठीक है, तो ए कितना हो गया 2 और बी 4, सो ए 2 बी 4 इक्विवेलेंट टू ए बी 2, दैट इज ऑप्शन बी. ये देखो, ये वाला जो मैंने डिस्कस किया था A7B24, FCC वाले में कॉर्नर को उड़ा दिया तो A7B24 आता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिगेस्ट रेडियस? सीजियम प्लस. अल्कली मेटल्स में सीजियम प्लस और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो स्मॉलर होते हैं अल्कली मेटल्स से, तो बिगेस्ट रेडियस सीजियम का होगा. तो हाइड्रेशन रेडियस ले तो लिथियम होगा ना. लिथियम, लिथियम, यस. The statement that is not correct for periodic classification of element is, एक एक करके, properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Yes, correct. Periodic, yes, sir, correct. Modern periodic law. Correct, correct. Correct. Non-metallic elements are less in number than metallic. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स अलोंग अ पीरियड डू नॉट वेरी इन रेगुलर मैनर विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एट सम प्लेसेस. ये भी सही है. अलोंग अ पीरियड कोई एक्सेप्शन होता है क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी? होता है, होता है, होता है. Of course, I saw due to stable, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Half filled or full filled? Theoretically, as we move from left to right, the ionization enthalpy increases. So LiB mein Be bada, but beryllium stable configuration. Beryllium bada. Beryllium bada. Fir boron, carbon tak koi problem nahi hai. Nitrogen, oxygen mein nitrogen half filled configuration aa jata hai, aur fir fluorine. So do not vary in regular manner, yes. Answer D hai. D hai. Not correct pucha tha na. For transition elements, the D subshells are filled with electrons uniformly with increase in atomic number without any exceptions. Wrong, wrong, wrong. Chromium. Chromium copper. Chromium copper. Exception known for chromium copper for the 3D series. वैसे आगे की series में भी है. हाँ. अच्छा है क्या आगे में? हाँ, आगे की सीरीज में भी है सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ. नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हाइड्रोलिसिस ना SN2 देते हैं ना इसमें? नहीं, हमेशा SN1 ही चेक करते हैं. अगर हाइड्रोलिसिस नहीं स्पेसिफिकली बोला है तो बाय डिफॉल्ट, सुन लो, बाय डिफॉल्ट SN1 मतलब कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखना है. 4 सबसे नहीं, पहले अलाइल भी है ना इधर तो 2 में अलाइल है. अराइल हैलाइड है. अराइल है. हां, अराइल है. ये आपका अलाइलिक, अलाइलिक 2 डिग्री, अलाइलिक 2 डिग्री, अलाइलिक ये तो सिर्फ अल्काइल है. 2 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल और टर्शियरी, टर्शियरी अल्काइल 3 डिग्री अल्काइल. अब बाबा को फॉलो करो. अरे अलाइल होगा फिर 3 डिग्री अल्काइल. तो अलाइलिक सबसे पहले, फिर अल्काइल में टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, और विनाइल और अराइल तो यूजलेस होते हैं अपने. मतलब द करेक्ट ऑर्डर विल बी 2, 4, 3, 1 ऑप्शन डी. ठीक है, SN1 देखते हैं.
Next, which of the following will most readily be dehydrated in acidic conditions? बीटा कीटो सर, बीटा कीटो देखते ना? हाँ बीटा पे कीटो क्या स्पेशल है बीटा कीटो में? बीटा कीटो में हाँ हो जाता है हाइड्रेट, डिहाइड्रेट हो जाता है। हाँ क्यों बीटा कीटो अच्छा डिहाइड्रेट करता है, क्या इजीली डिहाइड्रेट करता है? इजीली डिहाइड्रेट हाँ। अच्छा सबसे पहले डिहाइड्रेटेड मतलब आपको कार्बोकैटायन चेक करना है। हाँ तो इस सब में सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही बन रहा है। ठीक है सब में सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोनाइल है दिस कैन एक्ट एज अ ईडब्ल्यूजी, तो ये ईडब्ल्यूजी कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है अब सी और ए में देखोगे तो सी इज हैविंग अ क्लोजर अटैचमेंट ऑफ कार्बोनाइल, सो इट विल मेक द कार्बोकैटायन लेस स्टेबल। ठीक है और डी में और भी दूर भी दूर है मतलब अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है ये एक फैक्टर है जो आपको कंपेयर करना है, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद अल्कीन की स्टेबिलिटी को भी चेक करना होता है। अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी आप चेक करोगे तो फिर आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कंजुगेशन। तो ए में क्या होगा, एक तो आपका कार्बोकैटायन स्टेबल है बिकॉज कार्बोकैटायन दूर है, और डिहाइड्रेट होने के बाद पाई ऑल्टरनेट पाई का कॉन्जुगेशन फर्स्ट देगा, सेकेंड नहीं देगा, थर्ड देगा, लेकिन फर्स्ट फैक्टर जो है कार्बोकैटायन डीस्टेबलाइज का वो उसको रूल आउट करता है, और फोर्थ में कोई कॉन्जुगेटेड अल्कीन नहीं बन रहा है, इसीलिए क्लोज ऑप्शंस ए और सी थे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन ए होगा, और इसको आप बीटा कीटो याद रख सकते हो। बीटा कीटो वाले जो अल्कोहल्स होते हैं वो स्टेबल अल्कीन बनाते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। क्लियर? हाँ, conjugation. Next, अच्छा question है. We are having a ketone, functional group ketone. इसको oxidation. And it's reacted with, what is this? Oxidation. क्या ही है? Peroxy, trifluoro acetic acid. Perfect. Trifluoro, peroxy acetic acid. Now, when a ketone is reacted with a peroxy acid, can you recognize the reaction? Ketone. This was an extra. अरे वो Perkins. नहीं. नहीं sorry Perkins. अरे shoot. It gives you एक oxygen जो है ketone और R के बीच में आ जाता है. हाँ हाँ COO हो जाएगा. नाम नहीं याद पर. Ester बनाता है. Ketone to ester का ये जो oxidation reaction है, it is called anyone? एक मिनट सर. Bayer Villiger oxidation. Bayer Villiger oxidation. याद रख लो. A ketone can get converted into ester by oxidation with peroxy acid, and the reaction is called Bayer-Villiger oxidation. अब एक और खास बात, अगर ketone unsymmetrical है, तो oxygen R के through attach होगा या R dash के through? ये decide करने के लिए migratory aptitude देखते हैं। अब I'll just put in simple words. जो ज्यादा बल्कियर अल्काइल है उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देना है। क्या रूल है? ज्यादा बल्कि मतलब मान लो R डैश इज बिगर देन R, तो आपका ऑक्सीजन मैंने कहां पे अटैच किया है? R डैश के वहां पर। ठीक है अब इस कीटोन में विच इज द बल्कियर पार्ट, द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? लेफ्ट। तो उसके साथ ऑक्सीजन आएगा, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? आपका आर पार्ट जो है वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज एच थ्री सी विद अ साइक्लोपेंटेन सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री।
अब आपको डिसाइड करना था कि ऑक्सीजन किधर आएगा, तो ऑक्सीजन बल्कि वाले ग्रुप के साथ आएगा, यानी ये एस्टर बनेगा. Okay. ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है. अब उसके बाद अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया गया है, तो दैट इज एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ना. टेल मी एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्या देता है? बोलो. सॉल्ट ही देगा ना, सॉल्ट तो देता है. सॉल्ट ही देगा बस. सॉल्ट देता है और जनरल अल्कोहल. एस्टर में बहुत ही स्पेसिफिकली आपको बोलना है आर वाला सॉल्ट देता है, आर डैश वाला अल्कोहल देता है. ये लैंग्वेज के साथ आप करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. तो नाउ दिस इज द एस्टर इन विच सी एच थ्री इज आर ना, एंड दिस एंटायर पार्ट इज माई आर डैश. सो नाउ व्हेन यू डू द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यू विल गेट आर वाला सॉल्ट देगा. You will get CH3CO wala sodium acetate. Yes, A. And uska alcohol. H3C cyclopentane aur fir alcohol. And OH. Ab in dono mein se option mein aapko A diya hai. To B, C aur D ruled out hai. To do important concepts. Beer vinegar oxidation ka and saponification of ester na. Yes. Sodium salt of fatty acid banega, usi ko soaps bolte hain. Sapon, yes. Next, ek acha sequence. Toluene with nitro bromination kiya hai. Br kahan attach hoga? Ortho, ortho pe. Kiske ortho pe? CH3, CH3 ke ortho pe. Ha, abhi kyu aisa? Aapka methyl jo hai wo plus R wala group hai. प्लस आर और एनओ टू नाइट्रो और एनओ टू वैसे भी मेटल डायरेक्टिंग है ना, तो ऑर्थो इज द मोस्ट फेवरेबल पोजीशन. परफेक्ट. अगर नाइट्रो के हिसाब से सोचो तो भी मेटा यहाँ पे आता, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मिथाइल जो है एक्टिवेटिंग है और ये डीएक्टिवेटिंग है. सो इफ यू हैव एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग टुगेदर द अटैचमेंट विल बी विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेटिंग. सो ये ऑर्थो पैरा पे, लेकिन पैरा ब्लॉक्ड है तो बी आर इधर आएगा. फिर SnHCl क्या करेगा? NH2 रिडक्शन ऑफ नाइट्रो इनटू एनिलीन, अभी बताया था सेशन में. ठीक है, तो ये एनिलीन बन गया और यहाँ पे ब्रोमीन तो है ही. उसके बाद नैनो टू HCl इसको कन्वर्ट करेगा इनटू डायजोनियम सॉल्ट इनटू प्लस Cl माइनस. फिर व्हाट इज दिस रिएक्शन? H2O H3PO2 बेंजीन बन जाता है. बेंजीन बन जाता है सर, वो पूरा हट जाता है, पूरा ग्रुप हट जाता है. डीएमिनेशन, डीएमिनेशन पूरा हट जाता है, तो पूरे डायजोनियम ग्रुप को निकाल देता है. हाँ. तो आपको यहाँ पर बचेगा क्या? टोलुइन विद ब्रोमीन एट द ऑर्थो पोजीशन. हाँ, और CH3 हो जाएगा COOH. KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा COOH ग्रुप इनटू COOH, तो यू विल गेट अ ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो bromo benzoic acid, that is option B. Yes. Clear? Next, the given diagram indicates the energy levels of certain atoms. When the system moves from 2e to e, a photon of wavelength lambda is emitted. The wavelength of photon produced during its transition from 4e by 3 level to e is 2e minus e is equal to hc by lambda. So e by 3 is equal to hc by lambda dash. Perfect. पहले केस में 2e level से e level wavelength था lambda. So 2e minus e is equal to hc by lambda. Therefore e will be equal to hc by lambda. अब second केस में 4e by 3 से e पे तो कितना आएगा difference? e by 3. And this E by 3 will be equal to HC by lambda dash. Let's say lambda dash. ये ढूंढना है अपने को. ठीक है, अब E ऊपर से पता है, HC by lambda है. तो HC by lambda ये 3 आएगा. 3 lambda. और ये lambda dash. HC cancel हो जाएगा. So lambda dash जो पूछा था, that will be equal to 3 lambda. Answer is option D. D. Clear? Yes, sir. That's it. With this, we wind up the session. हाँ, बस almost 2 घंटे हो गए. हाँ, अभी तो 2 घंटे हो गए. अच्छा, okay.
ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। चलो और कुछ डाउट्स रहेगा तो डाउट्स भेजते रहो, उसको मैं इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करता हूँ। यस सर, थैंक यू सर। ओके चलो, बाय 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 बाय।